यदाई धर्म से ग्लानिर्भवति भारते अभ्यो तथा न मद्रम से तद आत्मानम सज्जाम्यम। जब भी और जहाँ भी धर्म की कमी होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हमारे धर्म का नाम क्या है? अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 26। इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझे फल फूल पानी और पत्ता भी अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर कोई देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, अगर कोई पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक में जाता है। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं रंगीला भाई के साथ एक विलेज घूमने और यहाँ पे एक हिंदू स्कूल है वो भी विजिट करने वाले हैं। तो भाई, इस विलेज का नाम क्या है? इसे रामदेव मोहल्ला कहा जाता है इस गांव को। अच्छा, तो ये मतलब पहला ऐसा स्कूल है जिसके अंदर हिंदी वगैरह पढ़ाई जाती है? ये पहला है मेरी। ठीक। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं और आपको स्कूल दिखाते हैं। देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है गजाली हिंदू कम्युनिटी स्कूल। तो ये पहला स्कूल है और ये सर है। तो नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, आपका नाम? दूला राम। तो यहाँ पे आप यहाँ पे टीचर हैं जी? तो कहाँ तक मतलब हिंदी वगैरह पढ़ाई जाती है? 5 तक। तो ये पहला ऐसा स्कूल है जिसके अंदर हिंदी वगैरह पढ़ाई जाती है? नहीं, हमारे गजल स्कूल के कब 6 स्कूल हैं यहाँ पर। अच्छा, तो उनके अंदर मतलब हिंदी वगैरह पढ़ाई जाती है। तो आप विजिट करवाएंगे हमें? बेसिकली स्कूल तो पंजाब PDB का है। अच्छा, लेकिन हिंदी पढ़ाई जाती है। ठीक, तो सर ये विजिट करवाने वाले हैं स्कूल। तो फ्रेंड्स, हम स्कूल के अंदर इंटर हो चुके हैं। तो देख सकते हैं बच्चे किस तरह से बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देख सकते हैं बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया। तो क्या नाम है बेटा आपका? निर्मला देवी। कौन सी क्लास में हो? 3। तो आगे पढ़ के क्या बनना चाहोगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? अच्छा, तो कुछ पढ़ के सुनाओ। हमने देखा एक रोबोट, पहना था वो ओवरकोट, धीरे धीरे चलता था वो, चलता था वो। तो क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों। आपका नाम? लक्ष्मी देवी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री राम। तो बेटा आपका नाम क्या है? हीना। आप कौन सी क्लास में हो? 3। तो आपने क्या बनना है आगे फ्यूचर में? डॉक्टर बनना है। आप? प्रियंका कंवर। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में हैं? 3। तो आपने क्या सोचा आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारी जो बहनें हैं वो डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहती हैं। तो आगे चलते हैं, दूसरे बच्चे भी देख। भाई, आपका क्या नाम है? जगदीश कुमार। कौन सी क्लास में हो? दूसरी। ABC आती है? सुनाओ। बहुत अच्छा। तो बेटा, आपको भी आता है? तो आप सुनाओ जी। तो देखो भाई, कितने अच्छे तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं और अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। और देख सकते हैं, तो सर जी, यहाँ पे कितने बच्चे हैं? मतलब के इसमें तकरीबन 100 के करीब हैं। अच्छा, 100 के करीब, मतलब के टोटल जो हिंदू कम्युनिटी के हैं। ठीक। और यहाँ पे कितने घर होंगे इस मोहल्ले के अंदर? तकरीबन 80 के करीब। ठीक। तो यहाँ पे फीस वगैरह भी ली जाती है या फ्री में? बिल्कुल फ्री स्कूल है। मतलब इदारे की तरफ से बैग भी दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म भी और शूज भी, प्रार्थना भी आती है इनको सब कुछ। तो बेटा, आपका नाम क्या है? चारों मंत्र खड़े हो, खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? प्रार्थना सुनो, चारों मंत्र भी सुनो। यंता क्षत्रियम नमः भगवान के वाद्वाय विष हरि प्रसाद प्रपाल पर नमः भूदश्वाता के बोले हम भगवान देवाजी में
जय श्याम जय श्याम। देख सकते हैं नर्सरी क्लास के बच्चे ने इतनी अच्छे तरीके से जो है प्रार्थना सुनाई। तो इसके अलावा भी कोई है सभी? हाँ, अंदर बड़ी क्लास बैठे हैं अभी। ठीक ठीक है, बैठ हुआ है जी। ये कौन सी क्लास है? ये कौन सी क्लास है? 1 6 1 6 6। तो टीचर ये मेरी बेटी है। अच्छा, इंटरव्यू ले सकते हैं? रिमिशा कंवर। राम, आपका नाम? रिमिशा कंवर। तो आप इस क्लास के टीचर हैं? हाँ, मैं इस स्कूल की पहले प्रिंसिपल रह चुकी हूँ और अभी टीचर हूँ। तो आपकी कितनी क्वालिफिकेशन? मेरी मैट्रिक। मैट्रिक ही हुई है। तो आगे भी स्टडी चल रही है? आगे स्टडी हालात नहीं बन रहे। अच्छा, तो आगे फ्यूचर में वैसे क्या आपने सोचा? फ्यूचर में मैंने अपना एक सेंटर खोला और इनको तालीम देनी है। अच्छा, और सेकंड टाइम में मैं अपनी सिलाई सेंटर जारी रखती हूँ, बच्चों को सिलाई ट्रेनिंग दे रही हूँ सिलाई की। तो आप बहुत अच्छा काम करें, हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप काम करते हैं, हमारा हर सपना पूरा करें। धन्यवाद। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्ता प्राचति तदाम भक्ति अपरताम मशनामि प्रीति आत्मने। अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 26। इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझे फल फूल पानी और पत्ता भी अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देख सकते हैं ये बच्चे जो हिंदी में कुछ पढ़ के सुनाने वाले हैं। अनाराम इमली खुलू ओखली। कौन सी क्लास में हो? बेटा सुंदरा, आप कौन सी क्लास में हैं? आप कुछ पढ़ के सुनाओगे हिंदी में? देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदी भी है। बहुत अच्छा। बहुत टोटल जो है ना हिंदू बच्चे हैं और ये फर्स्ट ऐसा स्कूल है जो पाकिस्तान में जहाँ पे हिंदी वगैरह पढ़ाई जा रही है और काफ़ी टाइम से पढ़ाई जा रही है, वो भी फ्री में। तो ये यहाँ के टीचर वगैरह जो भी हैं वो बहुत अच्छी सेवा करें। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही जो ना ऐसे हमारे और भी स्कूल बने और हिंदी जो है वो यहाँ पे फैले ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करें। तो देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और टीचर जी, इस स्कूल को कितना मतलब टाइम हो चुका है, कितने साल हो चुके हैं इस स्कूल को? 2015 में बना था ये। 2015 से मतलब कंटिन्यू चालू है। तो यहाँ से फिर इस 5वीं करने के बाद फिर आगे बच्चे कहाँ पे जाते हैं? यहाँ से बच्चे फिर अभी पहले नहीं था, प्राइमरी तक था, अब ये मिडिल तक स्कूल हो चुका है। ठीक ठीक। तो हमारे जो दूसरे लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग बस सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे हैं। अगर वो भी हमारे साथ दें तो हम इसको और आगे ले जा सकते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब जितने भी हमारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर मतलब इतने हैं कि कुछ सपोर्ट कर सकते हैं तो वो स्कूल को जो है ना वो सपोर्ट करें ताकि ऐसे जो है ना इन बच्चों की जो फ्यूचर है वो पढ़ लिख कर कुछ बन सकें और इस कंट्री का भी नाम रोशन कर सकें और अपना घर का जो मतलब कि हालात भी बेहतर कर सकें। हरे कृष्णा जय श्री राम। धन्यवाद बच्चों। सर ये कौन सी क्लास है? अभी कुछ भगवत गीता के भी मतलब के यहाँ पे तालीम दी जाती है तो वो सुनते हैं। तो सुनाए सर जी, कौन सुनाएगा? हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म के क्या मानी है? सनातन धर्म के मंत्र कितने हैं? इस धर्म की मुकद्दस किताब का क्या नाम है? भगवत गीता के क्या मानी है? भगवत गीता कितने अध्याय पर मुश्तमल है? इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 700। भगवत गीता का सबसे पहले श्लोक किसने अदा किया? धृतराष्ट्र ने। पहले अध्याय का नाम क्या है? दूसरे अध्याय का नाम? भगवत गीता में आत्मा के मुतालिक क्या बताया गया है? भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया गया? भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान के कितने श्लोक हैं? आपका नाम? प्रीना। तो आप क्या सुना देंगे? क्या सुनाने वाले हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बन्नो रघुबर बिमल सो जो दायक पलचाक बुद्धिहीन तन जान के शिवरू पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हुए हरो क्लेश का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस राम अंजन पुत्र पवन सुंदामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवास स्वंत के संग कंचन वरन विराज सवेसा कानल कुंडल कुंडल केसा हाथ वजर और दुदा विराजे कांधे मोजनियो साजे शंकर सवन केसरी नंदन तेज पता मा जगवंदन तुमरे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के दिव्य धामी अंत का रघुवर पल जाई जा जन्म मन भक्त गाए
और देवता जितना धरी हनुमान से सौ सौ करी संकट कटे सब पीड़ा दियो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान हुसैन। कृपा करो गुरुदेव गिराई जो सर पार पार कर कोई जूठी मंदी मास कोई जो अपने हनुमान चालीसा हो या सी गरी गरी तुलसीदास दाह चेरा लीजे नाथ दे मैं डेरा पवन तनिया संकट रहे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिस्ते बदे सरभू जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो भाई आपका नाम भवेश कुमार। इसके लिए तालियां होनी चाहिए। आपका नाम? तो कौन सुनाने वाला? आप सुनाने वाले? पीना है तो प्याला श्री राम वाला पी, कौन तुझे रोकता है बार बार पी, कौन तुझे रोकता है बार बार पी। हनुमान ने पिया तो कमाल हो गया, हनुमान ने पिया तो कमाल हो गया, छाती बिचे राम का दिलदार हो गया, छाती बिचे राम का दिलदार हो गया। पीना है तो प्याला श्री राम वाला पी, पीना है तो प्याला श्री राम वाला पी, कौन तुझे रोकता है बार बार पी, कौन तुझे रोकता है बार बार पी। हनुमान ने पिया तो मीराबाई ने पिया तो कमाल हो गया, मीराबाई ने पिया तो कमाल हो गया, प्याले विच राम का दिलदार हो गया, प्याले विच राम का दिलदार हो गया। यहाँ पर भजन के क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों। आपका नाम क्या है? गुलशन। गायत्री मंत्र आता है? सुनाओ। ओम भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव सदीम नहीं देव योना प्रचोदया। धन्यवाद बेटा, बैठ जाओ। भाई देख लो भाई कितने टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे प्यारे भाई और बहनें। ये थी फाइव क्लास और देखा आपने कितने अच्छे तरीके से बच्चों ने हनुमान चालीसा भी सुनाया, गायत्री मंत्र भी सुनाया और अपनी मिथिला एजुकेशन को भी जारी रखे हुए हैं। तो बच्चों मन लगा के पढ़ना, भगवान आपके साथ है, जो भी आपने सपने सोचे हैं वो पढ़ाई के जरिए ही पूरे हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके बच्चों ने तो देख लो कितना खूबसूरत मतलब डिज़ाइन बनाया बच्चों ने, तो आप बॉस करके पढ़ सकते हैं और ये प्यारे प्यारे बच्चे इस्तेमाल करते हुए तो फ्रेंड दे सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी ना भगवत गीता की तालीम वगैरह दी जा रही है और गायत्री मंत्र वगैरह हनुमान चालीसा वगैरह और सब कुछ पढ़ा जा रहे हैं और यहाँ के टीचर जो है वो अपनी मेहनत आप जो है ना वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो भगवान इनको जो है वो कामयाब करें। तो यहाँ पे आने के बाद जो है ना ये देख सकते हैं हिंदी के अल्फाबेट्स वगैरह। अगर कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझे फल फूल पानी और पत्ता भी अर्पण करता है तो मैं ऐसे सत्कार करता हूँ। यदा ही धर्म से ग्लानिर्भक्ति भारते अभ्यो तथा न मद्रम से तदात्मानं सज्जाम्यम्। जब भी और जहाँ भी धर्म की कमी होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। बहुत अच्छा, क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों। अभी क्या सुनाने वाले वो आप उसके बारे में बताओ। देखा श्लोक नंबर 25। अगर कोई देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, अगर कोई पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक में जाता है, अगर कोई भूतों की पूजा करता है वो भूतलोक में जाता है, अगर कोई भगवान की पूजा करता है भगवान भगवान की शरण में चला जाता है। बहुत अच्छे, प्यारे प्यारे बच्चे और धर्म की शिक्षा जो इतने अच्छे तरीके से दी जाएगी और ये जो भी पॉसिबल हो पाया वो इन सर की वजह से हो जाए। तो सर कितने साल हो गए आपको इतना मेहनत करते हुए? बस 2015 से स्टार्ट किया हुआ है ये। अच्छा। और 2015 से ये स्कूल चल रहा है, लेकिन बेसिकली मेरी जो है ख्वाहिश थी वो तो तकरीबन 99 से शुरू है। 99 से। तो आप कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी जुबानें आती हैं? बस यही जो हम जुबान होती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, हिंदी आती है। अच्छा अच्छा। इंग्लिश आती है। यहाँ पे जो धार्मिक शिक्षा है वो आप दे रहे हैं ना? हाँ मैं दे रहा हूँ, फिर मेरी बेटी है वो रिमशा कॉल, मतलब वो टीचर जो है वो टीचर आपकी बेटी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिंदी कम्युनिटी का स्कूल जो कि 100% जो हिंदी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। और तो सर स्कूल का नाम भी बता दें आप। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, गजाली। तो फ्रेंड ये था हमारा हिंदू स्कूल और यहाँ पे हिंदू बच्चे देख सकते हैं कितने मन के साथ जो है ना वो भगवद गीता की स्टडी कर रहे हैं और अपने हिंदू धर्म के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते कितने प्यारे बच्चे हैं और मतलब हर चीज़ को जो है वो मन के साथ पढ़ रहे हैं और ये सब जो हुआ है ये हमारे सर की वजह से हुआ है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप ऐसे ही काम करते जाएँ।